हेलो एवरीवन, मेरे चैनल ज्ञान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे किसी भी रिजल्ट का, चाहे दसवीं का हो चाहे बारहवीं का हो, उसका परसेंटेज मतलब प्रतिशत कैसे निकाले। कि हमारा रिजल्ट, जैसे कि हमें कुछ रिजल्ट में 500 में से कुछ नंबर प्राप्त हुए, तो उनका परसेंटेज कैसे निकाले, आज हम इसी में सीखने जा रहे हैं। तो ये प्रतिशत कितना है, देखिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी रिजल्ट है, मतलब जो हमारा पूर्णांक है, उसको सबसे नीचे रखते हैं। ठीक है, पूर्णांक को यहाँ पर रख लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा प्राप्तांक है उसको क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे इधर। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, गुणा कर देंगे उसको 100 से। गुणा कर देंगे 100 से। देखिए ऊपर नीचे संख्या है, गुणा भाग में है, तो इस 0 से 0 कट जाएंगे, इस 0 से 0 कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 365 गुणा इस एक में करेंगे, 365 गुणा एक में, मतलब 365 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 बचेगा यहाँ पे, 5 से क्या करेंगे, 365 को 5 से भाग कर लिया है। जब 365 को 5 से भाग करेंगे, एक कर कर देख लेते हैं, 365। ठीक है, अब देखिए 535 हो गया हमारा, और बचेगा यहाँ पर घटाएंगे, एक और कार्ड है 5, अब 5 दिया 15 हो जाएगा, बराबर बराबर उठ रहा है। ठीक है, देखिए कितना हुआ हमारा, पढ़ने में आया है हमारा 73%। ठीक है, हमें 500 में से 365 नंबर प्राप्त हुआ, उसका कितना परसेंट, हमें परसेंटेज निकालना, कितना परसेंट बनेगा उसका, 73% हमारा रिजल्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं, अब देख लेते हैं, जैसे कि दसवीं का नंबर कितने में, 600 में से आता है, तो देखिए क्या करेंगे, तो पूर्णांक 600 कर देंगे। पूर्णांक कितना कर देंगे, 600। ठीक है, और प्रांतांक कुछ भी जो आपका आया है, जैसे कि एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं, 300, चलो 400 ले लेते हैं, 436 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, उसको बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, इसमें क्या है, हमारे पूर्णांक को हम नीचे रखेंगे, यहाँ पर रख लेंगे, मैंने पूर्णांक को, पूर्ण कितना 600 है हमारा। अब क्या करेंगे, 436 को इधर लिख लेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, प्रतिशत ही 100 का नाम होता है। ठीक है, प्रतिशत को 100 बोलते हैं। देखिए क्या करेंगे, 0 में 0 काट देंगे। ठीक है, अब 436 की गुणा एक में करेंगे, 426 आएगा, और भाग कर देंगे बच्चे का हमारे, भाग करेंगे 6 से। ठीक है, भाग कर कर देखते हैं, अभी भाग करेंगे 436 को, तो 648 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने में चलेगा, 636 छिहत्तर बयालीस। ठीक है, घटाएंगे 0 बच गया, और उतार लेंगे 6 का, और 6 का 6 कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमारा कितना प्रतिशत बनेगा, 71%। ठीक है, यही हमारा ऐसे ही रिजल्ट निकालते हैं। उसका एक और सिंपल सा फंडा है, अगर आपको देखना है, देख अगर मोबाइल में चेक करना है, जितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं उनको भाग कर दीजिए, अगर 600 में से पता करना है तो 2 0 गायब कर दीजिए, 6 से भाग कर दीजिए। ठीक है, अगर बारहवीं का है, मतलब 500 में से देखना है, तो क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, जितने आपको नंबर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके समझ सकते हैं। और क्यों करेंगे 5 का 6 से भाग, तो मैंने आपको यहाँ समझा दिया, क्योंकि 0 से 0 कट जाती है, और फिर क्या बचता है हमारा, ये बचता है, तो उसको भाग कर देते हैं, बस सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो आप अपने रिजल्ट का प्रतिशत आराम से घर पर बैठ कर निकालिए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।